ऐसे खाली पेट नहीं सोने दूंगी आपको। चलिए तैरना कैसे सीख पाएगा? एक मौका उसे देखकर तो देखिए, शायद सबसे अच्छा तैराक साबित हो जाए वो। तारापुर किले के मुहिम पर यदि आप उसे भेजते तो। जब बात स्वराज या जनता की सुरक्षा से जुड़ी है रानी साहब, तो किसी तरह का प्रयोग नहीं किया जाता। और खंडेराव जब तक अपने आप को योग्य साबित नहीं करता, उसे कोई भी अधिकार या मुहिम सौंपा नहीं जाएगा। इस तरह से तो वो कभी भी कहने पर ही राजपूताना मुहिम के लिए सेनापति का चुनाव रोका था हमने, यानी कितनी रुचि दिखाई खंडेराव ने उस मुहिम में बताइए। रानी साहब, इस धोखे में मत रहिएगा कि आप अपने मन की बात अहिल्या से कहलवाएंगी और हमें पता नहीं चलेगा। सच्चाई जानने के बावजूद भी हमने सेनापति की घोषणा स्थगित की। क्यों पता है? क्योंकि आपके मन में तभी इच्छा को हम तो समझते ही है ना, और कहीं ना कहीं खुद भी अपने बेटे को उसके शौर्य से अधिक बड़ा बनता देखना चाहते थे। हमारी भी संतान है वो गौतमा, कोई दुश्मन नहीं। हमें भी अपने बेटे से बहुत लगाव है, बहुत प्यार है, लेकिन पुत्र मोह में अंधे होकर इस राज्य के प्रति अपने दायित्व को भुला देने का पाप हमसे नहीं होगा, कभी नहीं होगा। इस सब के बावजूद आपके साहिबजादे पर कोई असर ना पड़े तो क्या कहें। आओ, खाना छोड़कर तो मत जाइए। अजीब सा महक सा आ रहा है यहाँ, बारूद जैसा। बारूद कहां से आएगा यहाँ? से भरे सभी गड्ढों को तार से जोड़ दिया है। चलो। हे शिव शंभु, बाबा साहेब को बहुत विश्वास से कह तो दिया है मैंने,
कि शिवजी सब ठीक कर देंगे, पर पता नहीं क्यों दिल बहुत घबरा रहा है, बेचैनी सी हो रही है। कहीं छोटे सुबेदार जी कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे ना जो उन्हें नहीं करना चाहिए, या फिर जिस काम में खतरा हो। मैं बस उन्हें कामयाब देखना चाहती हूँ शिवजी, उनसे कोई गलती ना हो, बस यही प्रार्थना है मेरी। अब होगा जबरदस्त धमाका। रात को इनका रास्ता देखते देखते मेरी आग कब लग गई पता ही नहीं चला, ये भी नहीं पता चला कि छोटे सुबेदार जी कब वापस आ गए। छोटे सुबेदार जी उठिए ना, छोटे सुबेदार जी आप सुन रहे हैं ना, छोटे सुबेदार जी देखिए ब्रह्म मुहूर्त शुरू होने वाला है। छोटे सुबेदार जी आपको याद है ना, बाबा साहेब ने कहा था तारापुर मुहिम पर जाने वाली सेना की टुकड़ी को आपको रवाना करना है। छोटे सुबेदार जी सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, उठिए ना छोटे सुबेदार जी। ऐसी कैसी नींद है जो खुलती नहीं है। छोटे सुबेदार जी देखिए बहुत देर हो गई है, उठ जाइए ना, बाबा साहेब ने कहा है सेना को झंडा आप ही दिखाएंगे। छोटी रानी साहेब, बड़ी रानी साहब ने आपको और छोटे सरकार को जल्दी बुलाया है, सब लोग बाहर खड़े हैं। उठिए ना आप सुन रहे हैं ना, छोटे सुबेदार जी उठ जाइए ना। कल रात जरूर फिर से बहुत ज्यादा नशा किया होगा, तभी तो बेहोश जैसे सो रहे हैं। बाबा साहेब से और इंतजार कराना ठीक नहीं होगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।